टाइगर 3 को लेकर आया नया अपडेट, चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान चले हैं परदेश फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के सिलसिले में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जून या जुलाई में इस साल जाएंगे रशिया फिल्म टाइगर की पूरी क्रू, क्योंकि टाइगर 3 के कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ परदेश में ही शूट हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म टाइगर 3 में इस बार जुड़े हैं इमरान हाशमी, और इमरान हाशमी का जो पहला शेड्यूल है वो YRF स्टूडियोज मुंबई में ऑलरेडी हो चुका है। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि सलमान खान और कटरीना कैफ वापसी कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि कटरीना कैफ COVID-19 पॉजिटिव हुई थी, और उसके बाद सेकंड शेड्यूल जो है कटरीना का वो मंथ के एंड में शुरू होने वाला है। इसी के साथ साथ ये बता दूं कि फिल्म टाइगर 3 के ऐसे कई सारे शॉट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ इंडिया ही शूट हो सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जोया और टाइगर जो है वो कई देशों में ट्रैवल करते हुए नज़र आए हैं। अब ये देखना है कि क्या कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक क्या पूरी की पूरी क्रू जो है टाइगर 3 की वो रशिया पहुंच पाएगी, और क्या शूटिंग जो है वो सफल हो पाएगी। आपको क्या लगता है बताना ना भूले। उसी के साथ साथ टाइगर 3 में कटरीना कैफ, सलमान खान और इमरान हाशमी, इस तिगड़ी को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। दोस्तों नोरा फतेही ने लगा दिए 4 चांद डांस दीवाने 3 के सेट पर, नजर आई माधुरी दीक्षित के साथ डांस करते हुए। चलिए बताते हैं आखिरकार इन दोनों ने कौन से गाने पर डांस किया। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि नोरा फतेही जो है वो डांस दीवाने 3 के सेट पर आ चुकी है, क्योंकि खूब सारे BTS वीडियोस जो है वो बड़े ही वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक BTS वीडियो है जहाँ पर नोरा फतेही का सत्यमेव जयते का डांस नंबर दिलबर पर डांस करते हुए नजर आ रही है माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही। नोरा फतेही जो है वो काउंट्स दे रही है और सिखा रही है माधुरी को दिलबर का हुक स्टेप। दोस्तों आपको बता दूं कि माधुरी बहुत ही प्रिटी लग रही है रेड कलर के लहंगे में, और नोरा जो है उन्होंने सिल्वर कलर का गाउन पहना हुआ है। दोनों ही अदाकाराओं ने पेश की अपने हुनर की एक झलक। आपको किसका नृत्य ज्यादा पसंद आया बताना ना भूले, और वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। फिल्म मेजर का होने जा रहा है आज टीजर लॉन्च ग्रैंड स्केल पर, चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि सलमान खान, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन लॉन्च करने जा रहे हैं फिल्म मेजर का ट्रेलर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म मेजर बड़े ही चर्चा में है, और ये फिल्म जो है ये एक सच्ची कहानी है, मेजर उन्नीकृष्णन की लाइफ पर बेस्ड ये पूरी कहानी है। दोस्तों आपको बता दूं 26/11 के जो टेरर अटैक्स हुए थे मुंबई में, उस पर आधारित ये पूरी कहानी है। दोस्तों आपको बता दूं कि सई मांजरेकर जो है वो साउथ में अपना डेब्यू करने जा रही है फिल्म मेजर के साथ आदि विशेष के ऑपोजिट, और सलमान खान उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने उनको सपोर्ट किया था अपनी खुद की फिल्म में लॉन्च करके फिल्म दबंग 3 में। दोस्तों तो सलमान खान जो है वो हमेशा से अपने साथ के जो लोग होते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, और ऐसा ही कुछ वो कर रहे हैं सई के लिए भी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भाईजान सलमान खान का दिल तो सोने का है ही, पर वो जो कर्म करते हैं वो भी बड़े होते हैं। दोस्तों तो आप फिल्म मेजर के टीजर के लिए कितने एक्साइटेड है बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हो सकती है इस डेट पर, चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों हम सभी की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई फाइनली रिलीज होने जा रही थी 13 मई 2021 को, पर
जैसे कि हम सभी जानते हैं, सलमान खान ने भी ये बात आगे रखी थी कि हम पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि फिल्म 13 मई को ही रिलीज हो जाए, पर जैसे कि हम सभी जानते हैं अगर लॉकडाउन जारी हो जाएगा तो हम इस फिल्म को रिलीज नहीं कर पाएंगे और अगली ईद को यानी 2022 में इस फिल्म को रिलीज करेंगे। दोस्तों, पर अब एक खुशखबरी है सभी सलमान खान फैंस के लिए और वो ये है कि अगर फिल्म 13 मई को कुछ कारणवश नहीं रिलीज हो पाती है तो फिल्म रिलीज होगी 20 जुलाई 2021 को यानी बकरी ईद के मौके पर। तो सलमान खान ईदी देने तो आ ही रहे हैं, पर ये ईद बकरी ईद का मौका हो सकता है। आपको क्या कहना है और आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के लिए, बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शिल्का चौहान साइनिंग ऑफ। सलमान खान ने अपनी शादी को लेकर की ये बड़ी बात, चलिए बताते हैं आखिरकार सलमान ने क्या कहा, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान ने 7 अप्रैल को कबीर बेदी का मेमवॉर जो है उसको अनवील किया डिजिटली, और आपको बता दूं कि इस दौरान जब कबीर बेदी से उनकी बातचीत चल रही थी तब सलमान खान ने अपनी शादी को लेकर के कि ये बड़ी बात, उन्होंने कहा कि मैरिज बिट में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, पर मुझे डेफिनेटली आपसे ये सीखना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कबीर बेदी की 4 शादियाँ हो चुकी है और 4थी शादी जो है वो उन्होंने 70 साल की उम्र में परवीन दोसांझ के साथ की है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस दौरान उन्होंने कई सारी बातचीत की, पर शादी को लेकर के सलमान खान ने ये जो बात कही है वो अब हेडलाइंस बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शादी के मामले में सलमान खान जो है वो थोड़े से और ठीक हो जाएंगे और जल्द ही शायद करेंगे शादी भाईजान सलमान खान? क्या है आपकी राय, बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 पर आया नया अपडेट, चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों, आपको बता दूं कि गोपी ये जो किरदार है वो टाइगर फिल्म में हमें देखने मिला था। टाइगर जिंदा है यानी टाइगर का जो सेकेंड पार्ट था उस फिल्म में हमें गोपी का किरदार नहीं देखने मिला था, पर गोपी यानी रणवीर शोरे का जो किरदार है, जो अविनाश सिंह राठौर यानी टाइगर के जो अजीज दोस्त का किरदार निभा रहे थे, वो किरदार जो है वो वापसी करते हुए नजर आने वाला है टाइगर 3 इस फिल्म में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आदित्य चोपड़ा और राइटर जयदीप साहनी जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस किरदार को वापसी करनी चाहिए टाइगर के अजीज दोस्त के रूप में। दोस्तों, आपको बता दूं कि रणवीर शोरे जो है वो जल्द ही शूटिंग शुरू करने वाले हैं YRF स्टूडियोज़ में, जहां पर ऑलरेडी पहला शेड्यूल जो है फिल्म का वो शूट हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गोपी का किरदार जो है वो हम सभी के जहन में हमेशा से था और टाइगर जिंदा है इसमें हमने उनको मिस भी किया, पर टाइगर 3 में वो वापसी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ नए किरदार के रूप में हमें देखने मिलने वाले हैं इमरान हाशमी जो जुड़ रहे हैं टाइगर 3 के कास्ट पे। आप कितने एक्साइटेड है टाइगर 3 के लिए, बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। कविता कौशिक ने सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस को लेकर किया बड़ा खुलासा, चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दूं कि कविता कौशिक जो है उनकी नहीं बन पाई थी बिग बॉस सीजन 14 में किसी के भी साथ, और यहाँ तक कि वो सलमान खान से भी लड़ गई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि रुबीना दिलेक जो बिग बॉस सीजन 14 जीती थी उनके बारे में बातचीत करते हुए कविता कौशिक ने कहा कि ऐसे फेक शो में मुझे नहीं रहना है जहां पर नकली शादी के बारे में बातचीत की जाती है, शादी में नकली दरारें पैदा की जाती है और जहां पर झूठे आंसू बहाए जाते हैं। दोस्तों, तो बेसिकली कविता कौशिक जो है उनको यही बात कहनी है कि बिग बॉस जो है वो एक फेक शो है और सिर्फ टीआरपी के लिए लोग जो एंटरटेनमेंट है वो पैदा करते हुए नजर आते हैं बिग बॉस में। तो आपको क्या कहना है, क्या आप भी इस कविता कौशिक से सहमत है, बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।
सलमान खान की अगली फिल्म से करने जा रहे हैं मिस्टर भूटान संगे शेल्टर में अपना डेब्यू। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर ये फिल्म कौन सी है और इसमें किरदार क्या निभा रहे हैं संगे, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि मिस्टर भूटान संगे शेल्टर जो है वो करने जा रहे हैं अपना डेब्यू फिल्म राधे के साथ और इसमें उनका बहुत ही अहम किरदार है। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात की पुष्टि की है और कहा है कि फिल्म राधे में काम करना मेरा एक सपना है जो सच हो गया है, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन नहीं किया था पर सलमान सर ही थे जिन्होंने सभी को कन्विंस किया कि मैं इस पार्ट के लिए फिट हूँ। मैं कौन सा किरदार निभा रहा हूँ ये तो मैं अब आपको नहीं बता सकता हूँ, पर बहुत ही अहम किरदार निभाने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दूँ कि संगे शेल्ट्रिम जो है वो मिस्टर भूटान रह चुके हैं और उसी के साथ साथ वो फिटनेस एंथुसियास्ट भी है। अब ये देखना है कि ऐसा कौन सा पार्ट प्ले करने वाले हैं फिल्म राधे में संगे। आप कितने एक्साइटेड हैं भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के लिए, बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।